प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमने कल पिछली कक्षा में रामायण के विषय में अध्ययन किया। रामायण के विषय में हमने जाना कि रामायण का भौतिक विभाजन किस प्रकार से है, कितने कांड है इसमें, कौन कौन से इसके संस्करण हैं, और उसके पश्चात रामायण के रचना काल के विषय में हमने अध्ययन किया। जब रामायण की रचना के विषय में हमने चर्चा की तो हमने जाना कि किस प्रकार से रामायण के अंदर पुष्ट प्रमाणों के अभाव में ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि रामायण की रचना कब हुई। फिर भी रामायण ग्रंथ में जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का जो वर्णन किया गया है, साथ ही साथ जो दूसरे जो बाह्य जो प्रमाण में उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर इसकी पूर्व सीमा और अपर सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। तो जो पूर्व सीमा इसकी निर्धारित की गई वह निर्धारित की गई त्रेता युग। क्यों? क्योंकि राम जो है त्रेता युग में पैदा हुए थे और वहीं से ही इनकी जो कथा है उसकी रचना मानी जाती है। और त्रेता युग का समय लगभग ईसा से 8 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से जब हम उसकी अपर सीमा का निर्धारण करते हैं तो बौद्ध ग्रंथों के अंदर जो बौद्ध प्रभाव है उसकी इसमें न्यूनता है। दूसरी ओर जो राजधानी है उसको लेकर के इसकी जब चर्चा हमने की थी तो इसकी जो अपर सीमा है वो 500 ईस्वी पूर्व निर्धारित की जाती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि रामायण की रचना है वो कम से कम 1000 ईस्वी पूर्व अवश्य होनी चाहिए। अब आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस में प्रचलित रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग, उसकी क्या विषय वस्तु है और किस प्रकार से ये हमारे सिलेबस से जुड़ा हुआ है। देखिए, यूं तो रामायण पूरा एक विस्तृत ग्रंथ है जिसके अंदर कुल 24,000 श्लोक हैं और ये राम की जो घटना है, आदर्श है, उसको 7 कांडों में विभाजित किया गया है। लेकिन फिर भी जो एक पुस्तक का, एक रचयिता का, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लिखने का तरीका है, पाठकों को समझाने का तरीका है, उस हिसाब से उन्होंने इस पूरे वृत्तांत को बालकांड के प्रथम सर्ग के अंदर संक्षिप्त रूप के अंदर प्रकाशित किया है। वो किस प्रकार से प्रकाशित किया है उसको हम आज देखेंगे। देखिए, महर्षि वाल्मीकि नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी के पास में जाकर के उन्हें बताते हैं कि हे नारद जी, मैं कुछ एक ऐसे चरित्र को ढूंढना चाह रहा हूँ जिसके माध्यम से जो मानवीय गुण है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसके मूल सिद्धांत हैं, उनको उस चरित्र के माध्यम से जनता के सामने एक सरल भाषा के रूप में प्रस्तुत कर सकूँ, ताकि मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्यों का, अपने कर्तव्यों का, पिता, पुत्र, राजा, सखा, पत्नी, किस प्रकार से वह जीवन व्यतीत करे, किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, उनके लिए एक आदर्श के समान यह प्रस्तुत रहेगा। जब मैं इन सिद्धांतों को कहूँगा, कह दूंगा, तो उनको कहने मात्र से इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि इन सिद्धांतों को किसी चरित्र के साथ जोड़ करके उसके जीवन को प्रकट नहीं किया जा सकता, तब तक लोगों तक, एक आम जन तक ये बातें नहीं पहुंच पाएंगी। इस प्रकार से उनके विचारों से अवगत होकर नारद जी चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और वे पाते हैं कि ऐसा चरित्र है राम, जो पुरुषों के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। उसके विषय में जो पूरा वृत्तांत बताते हैं वही वृत्तांत जो है, कहने का मतलब पूरी रामायण को, कथा को संक्षिप्त में प्रथम सर्ग में बताया गया है। जैसे इक्ष्वाकु वंश के अंदर राजा दशरथ के 4 पुत्र पैदा हुए, उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे राम। राम बहुत ही आदर्श, चरित्रवान, धैर्यशाली, बलशाली, बुद्धिमान, जितने भी मानवीय गुण होते हैं उनमें सब में विद्यमान थे। गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात विश्वामित्र जी के साथ वन में राक्षसों का संहार करने के लिए वहाँ पर गए और वहाँ से जनक की स्वयंवर में पहुँचे
और पहुंच करके सीता के साथ उनका विवाह हुआ। तत्पश्चात वो अयोध्या आए और अयोध्या आने के उपरांत उनके पिता दशरथ ने उनको राज्य सिंहासन के उपयुक्त मान करके राज तिलक की घोषणा की और तत्संबंधी तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन दूसरी ओर उनकी माता कैकेयी के मन में दुर्भावना पैदा कर दी गई मंत्रा के कारण, और जो दशरथ ने कैकेयी को 2 वर दिए थे, उन्होंने उस समय उनसे मांगे, वो वर थे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके राम वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं। जब प्रस्थान करते हैं तो नगरवासियों की क्या स्थिति होती है, तत्पश्चात उनके मित्र निसार दास से उनकी मुलाकात होती है, तत्पश्चात शोण नदी पर जाते हैं, भरद्वाज के आश्रम में जाते हैं, अगस्त्य के आश्रम में जाते हैं, और उसके पश्चात राम लक्ष्मण और सीता एक जगह आश्रम के अंदर कुटी बना करके रहने लगते हैं। वहीं पर सीता का जो रावण की बहन है शूर्पणखा, वो वहाँ पर आती है और राम के ऊपर उनका अनुराग उत्पन्न होता है। लेकिन लक्ष्मण के द्वारा उनकी नासिका काट दिए जाने के कारण तत्पश्चात विभिन्न प्रकार के जो राक्षस हैं खरदूषण, वो उसकी अपमान लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनका भी उन्होंने वध किया, लगभग 14,000 राक्षसों का। इस प्रकार से एक राक्षस जाति का विनाश होते हुए तथा अपनी बहन का अपमान न सहन करते हुए रावण सीता का हरण करता है, और राम जो हैं सीता के अन्वेषण के लिए सुग्रीव की सहायता लेते हैं। और सुग्रीव की जब संधि उनकी मित्रता होती है, उस समय उनका जो सेवक है प्रमुख वो है हनुमान, इसके अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं से इस राम कथा के अंदर हनुमान का पदार्पण होता है। तत्पश्चात हनुमान के द्वारा सीता की खोज की जाती है। खोज के पश्चात राम रावण के बीच में सीता को लेकर के युद्ध होता है, रावण की पराजय होती है, राम की विजय होती है, राम सीता के साथ लक्ष्मण के साथ और जो विभीषण है उसके साथ पुनः अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। इससे पूर्व हनुमान को अग्रिम पहले ही भेज देते हैं भरत को सूचनार्थ, वहाँ पर पूर्व से तैयारियाँ होती रहती है। राम आते हैं, राज्याभिषेक होता है, फिर उत्तराखंड की कथा है। तो ये जो पूरी राम कथा है जिसको 7 कांडों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है, पूर्ण रूप से विवेचित किया गया है, उसी कथा को नारद के मुख से कवि ने संक्षिप्त रूप के अंदर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह उनके एक लेखन की बहुत ही सुंदर शैली है, जिस विस्तार देखिए तो इतना कि जिसे लिखने के लिए पूरे 24,000 श्लोकों की आवश्यकता पड़ी, 7 कांड लिखने पड़े, और संक्षिप्त किया तो इस प्रकार से कि मात्र केवल एक सर्ग पढ़ करके आप उसके मूल भावों को, उनके चरित्र को, उसके आदर्शों को समझ सकते हैं। तो यही आपके सिलेबस के अंदर पूरी राम कथा जो है संक्षिप्त रूप के अंदर बालकांड के प्रथम सर्ग के रूप में प्रचलित है। धन्यवाद।